हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में आने वाले एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो आमतौर पर बच्चों को जरा कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्यों करता है? कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत बड़े टॉपिक का सब टॉपिक है और बच्चे इसीलिए आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमारे लिए पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, अगर इसको पढ़ना है तो कितना पढ़ना है और ये कौन से क्वेश्चंस में फंसेगा, यानी कि ये 15 मार्क के क्वेश्चन में आएगा या 4 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यूज आएंगे तो किस पैटर्न में आएंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितनी रेलेवेंस रखता है, और इन सब चीजों के बीच में हम फंस के रह जाते हैं। और चूंकि ये बहुत बड़े टॉपिक है, एक सब टॉपिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और इस पर स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं कर पाते। और जब हमसे कोई इस बारे में सवाल पूछता है तो हम आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो मेन टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ के हम इन दोनों को रिलेट कर लें ताकि हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट स्क्रैच से एकदम क्लियर हो जाए। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होने जा रहा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ इस टॉपिक को सुनने के बाद कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये हमारे सिलेबस का पार्ट शायद है नहीं। ये बात सच है, आपको ऐसे बहुत सारे सिलेबस मिलेंगे जिसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे ऐसे सिलेबस मिलेंगे जिसमें ये मेंशन नहीं होगा। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर में, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अब जब हम इसके नाम को पढ़ेंगे, जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे शुरुआत से, तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है जो हमें कंफ्यूज कर सकता हो। लेकिन फिर भी कुछ फैक्चुअल एरर्स हमारे दिमाग में रह जाते हैं, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी और जितना इजीली इसको समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और ये बहुत ही छोटा और आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको नोट्स कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं, आप केवल सुन भर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं डी और एल। ये डीएल का मतलब क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसका ये सब टॉपिक आता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अगर मैं यहां पे एक आम शब्द में बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूं तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है डेलीगेट करना, यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को या एग्जीक्यूटिव को कि वो उसकी पावर को टेम्पररली या पार्टली क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। अभी के लिए हमारे पास समझने के लिए इतना बहुत होगा। जरा हम अपने हर वीडियो लेक्चर में जैसे करते हैं टर्म को ब्रेक डाउन, जरा यहां पे भी टर्म को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब सर ये होता है जो रूल मेकिंग, जो लॉ मेकिंग पावर है जो कि लेजिस्लेचर के पास है, यानी कि पार्लियामेंट, विधानसभा जो कि लॉज बनाते हैं उनकी पावर को हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव पावर कहेंगे, जो यानी कि ऐसी पावर जो लेजिस्लेचर के पास थी। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन है सर? अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चे शुरुआत में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अलग चीज है, एग्जीक्यूटिव कुछ और चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव एक ही फॉर्म के हैं, एक ही नाव के दो तैराक हैं या एक ही नाव के दो ट्रैवलर हैं? ऐसा नहीं है। आपको मैं अगर कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताऊं तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लीजिए तो आपको इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। ये बात सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव के नीचे ही काम करने वाली बॉडी है। आपको अगर आपके रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं वो कौन है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करने वाले पर्सन है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम कलेक्टर साहब के एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे, यानी कि कलेक्टर साहब की लॉ मेकिंग पावर। कायदे से अगर देखा जाए तो क्या लॉ बनाने का अधिकार कलेक्टर साहब को दिया गया है? नहीं, कलेक्टर साहब लॉ नहीं बना सकते, जो लॉ बना हुआ है उसको सही से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी में हम ये पढ़ेंगे कि कब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कलेक्टर साहब के पास भी ये पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप गूगल पे उसकी डेफिनेशन जाके देखना चाहें तो आपको यहां पे गूगल पे उसकी डेफिनेशन देखने मिल जाएगी। क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की डेफिनेशन में? द ऑफिशियल और लीगल पावर गिवन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी गवर्नमेंट बॉडी टू कैरी आउट द लॉ एंड टू अडॉप्ट रूल्स। ये कह रहा है कि कोई ऐसी लीगल या लॉ मेकिंग पावर जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी कि कलेक्टर साहब को दी गई है ताकि वो लॉ बना सके और लॉ से रिलेटेड, लॉ बनाने से रिलेटेड जो पावर से उनको एक्सरसाइज कर सके। लेकिन ये पावर उनको दी गई है और उस पावर जो दी गई है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और उसके अंडर में आज हम पढ़ रहे हैं कि ये पावर्स कौन कौन सी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, नो इनहेरेंट लॉ मेकिंग पावर
टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी इनहेरेंट यानी कि शुरुआत से बेसिकली अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है तो उसके पास स्क्रैच से शुरुआत से जब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पोजीशन होल्ड कर रहा है कोई पावर नहीं होती लॉ बनाने की, हमेशा उसको लॉ बनाने की पावर दी जाती है, डेलीगेट करी जाती है कि ठीक है हमारे लिए हमारी कंट्री को रन करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी पावर दे रहे कि तुम भी थोड़ा सा लॉ बना लेना ताकि अल्टीमेटली जो इस कंट्री के सिटीजन है वो अच्छे से रह सके। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, कुछ पांच टर्मिनोलॉजीज, उनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टॉपिक को समझने में हमारे लिए और ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना के इस चैनल पे डाला हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, पावर तीन जगह पे डिवाइडेड होती है। कहां पे तीन जगह डिवाइडेड होती है सर, तीन जगह पे जो डिवाइडेड है वो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आती है इसके अंडर में यानी एग्जीक्यूटिव के अंडर में, जुडिशरी को यहां हटा देते हैं और जो लेजिस्लेचर है वो कौन है, वो है जो लॉ बना रही है। तो हम लोग इसकी पावर जब इसको दी जाती है तो उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, जब लेजिस्लेचर की पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक तरह से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती है। ठीक है सर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कौन होती है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अब अगर आप आइडियल सेंस में बात करें तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गई प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं। लेकिन इनके नीचे काम करने वाले और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, जैसे कि कौन कौन, डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये जो आपके जितने भी डीएम्स आपके डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं ये सब कौन है, ये सब इसी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और यहां पे जो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर के, और हम इस वक्त जो इसको स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये डेलीगेटेड जो हमने डीएल लिखा था उस वाले में, उसका मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि अपनी पावर को डेलीगेट करना किसी नीचे की अथॉरिटी को। यानी कि मान लीजिए कि आप, जैसे आपको ये बात पता होगी कि आपके घर में अगर पापा हैं और पापा के पास ये हमेशा से पावर रही है कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई दिवाली में कौन से पटाखे आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अब चूंकि आप थोड़े बड़े हो गए और रिस्पॉन्सिबल हो गए तो इस बार उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपनी पावर तुम्हें डेलीगेट करता हूं कि इस बार तुम तय करो कि घर में दिवाली में कौन से पटाखे आएंगे। या मम्मी है, मम्मी हर बार डिसाइड करती है कि भाई घर में कौन सी क्रॉकरी आनी है, या जब कभी भी घर में कोई नया फोन आता है तो मम्मी के फाइनल डिसीजन पे होता है कि फोन का कलर क्या होगा। अब चूंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए तो मम्मी ने ये पावर तुम्हें डेलीगेट करी कि इस बार तुम डिसाइड करो कि घर में क्रॉकरी कौन सी आएगी और फोन जो आएंगे नए वो कौन से कलर के आएंगे। ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और इसका मतलब भी आप पहले से समझ के रखिए। और उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर का। हम सर जिन पावर 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 चिल्ला रहे हैं ये पावर है कौन सी, ये कौन सी पावर है, कार में घूमने का, मंत्री लोगों को हेलीकॉप्टर में उड़ने की पावर, ऐसा नहीं है। ये सब प्रिविलेजेस हैं। पावर का मतलब होता है सिर्फ इतना, अगर लेजिस्लेटिव पावर के बारे में अगर ओरिजिनल सेंस में बात करी जाए तो इसका मतलब है लॉ मेकिंग पावर, यानी कि लॉ को बनाने की पावर, और केवल उस पावर के बारे में यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। तो हमें इन सब चीजों के बारे में अगर पता है तो इस टॉपिक को समझने में हमारी आसानी होगी। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने ये समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हमें ये पता चल गया लेजिस्लेचर क्या हो गया है क्या होता है, हमें ये भी पता चल चुका है कि लेजिस्लेचर कौन से पावर के बारे में बात कर रहा है जो कि वो डेलीगेट कर रहा है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है सर, जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है आपके पास जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पावर डेलीगेट करने की, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंट्री का रन कर रहा है। पार्लियामेंट दिल्ली में बैठी हुई है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी उसको इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन उस लॉ को इंप्लीमेंट शहरों में कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि कलेक्टर साहब, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, जो लॉ बन के आया वही तो उसको इन्फोर्स करवाएंगे ना, वो एसपी को उसकी कॉपी भेजेंगे कि आज से ये कानून बन चुका है इसका पालन हमारे डिस्ट्रिक्ट में किया जाए, जो उसका पालन नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। ये सब काम हो गया कलेक्टर साहब का। अब इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको कुछ लॉ बनाने की जरूरत पड़ सकती है, और पार्लियामेंट और विधानसभा के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर छोटे मोटे कानून अपने यहां पे बैठ के बनाते रहें। अब मान लीजिए किसी पान के ठेले के बगल में एक दीवार का कोना है जो कि सरकारी दफ्तर का है या हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वहां पर रोज आके लोग गुटखा थूक रहे हैं। अब उस केस में एक ऐसे लॉ बनाने की जरूरत है कि भाई इस एरिया में कोई भी इंसान अगर बाहर गुटखा थूकते पकड़ा गया तो उसको 500 रुपए का जुर्माना बनेगा। अब इस केस में ऐसा लॉ अगर मान लीजिए बनाया गया तो क्या वो पार्लियामेंट जाके बनाएगी, उसने कलेक्टर को ये पावर दे दी कि ये लॉ तुम बनाओ। इसीलिए ये जरूरत है कि ये जो पावर है ये डेलीगेट करी जाए, लॉ मेकिंग पावर छोटी मोटी डे टू डे जो अथॉरिटीज हैं उनके पास, क्योंकि
जो हमारा सिटीजन्स है उनका सर्वाइवल अच्छा हो सके और हमारी डेमोक्रेसी सही से चल सके। तो जो पावर्स है वो कौन कौन सी है वो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट कर दी। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप पूरे के पूरे आंसर को समझाने के बाद इन पावर्स को लिस्ट कर सकते हैं। ये पावर्स और भी ज्यादा हो सकती है, तो आपके केस टू केस डिफर कर सकता है। आप खुद से भी सोच के अगर आपको लगता है आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो आप लिख सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, पहली पावर क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाने की पावर। क्या मतलब है इसका, कोई बड़ा कानून, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बड़ा कानून वहां से पार्लियामेंट से बन के आया, अब उसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इंप्लीमेंट सही से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप छोटे लॉज, उसके सपोर्टिंग लॉज जो उसके इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे वैसे लॉ बना सकते हैं, इसलिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की पावर है। दूसरी क्या है, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की, सेम चीज, जैसे लॉ बन के आया अगर कोई पॉलिसी बन के आती है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या सीनियर अथॉरिटी से, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे मोटे लॉ बनाने की आपको जरूरत पड़ जाए वो भी क्या होगा, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू मेक लॉज है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो जो थूकने वाला केस था, उसके अलावा और भी होता है, हॉर्न बजाने का। मान लीजिए कि कोई एक साइलेंट जोन है जहां पे एक बहुत ही सीरियस या बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ पेशेंट्स रखे जाते हैं, वहां पे एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है, पूरे देश का सबसे बड़ा अस्पताल, और उसके आसपास ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, वहां नॉइस पोल्यूशन अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता, वहां पे एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ साइलेंस को मेंटेन करना है, और उस केस में अगर आप जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि कलेक्टर साहब है, वो एक आदेश निकाल देंगे कि इस जगह के आसपास के किसी भी जगह पे ये एक लॉ बन चुका है कि अगर इस जगह पे आसपास कोई भी अननेसेसरी हॉन्किंग यानी कि हॉर्न बजाएगा या नॉइस पोल्यूशन करेगा तो उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विसेज, यानी कि हमारे और आपके लिए जो सर्विसेज में जो भी नेसेसरी हो उस तरह का भी लेजिस्लेटिव पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती हैं कि वो पब्लिक सर्विसेज के लिए यानी कि मेरे और आपकी सर्विस के लिए वो लॉ बना सकती है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे कॉमनली जो यूज होता है ना वो यही है, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें मैं स्टार बना देता हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसका, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रूल मेकिंग। रूल और लॉ में क्या फर्क होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। लॉ जो होता है वो ओरिजिनली एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बनाती है और उसने डेलीगेट किया है तो वो कोई दूसरी अथॉरिटी बनाएगी, यानी कि लॉ और रूल में अगर आप फर्क देखें तो लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा, और लेजिस्लेशन अगर किसी को नीचे ऑथोराइज किया हो तो वो बनाएगा, वो लॉ होता है, जो कि क्या होता है उसमें कई बार सैंक्शंस भी लगे होते हैं, यानी कि अगर आप इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, लॉ इज समथिंग विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन, तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। और रूल जो होता है ना वो नीचे की जो अथॉरिटीज होती हैं वो बनाती हैं, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाएंगी, यानी कि लॉ इज मोर सिवियर एंड रूल इज अ माइनर फॉर्म ऑफ लॉ विच इज नॉट लॉ बट वो इंप्लाई करता है उसी प्रिंसिपल्स को। ठीक है सर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको डेलीगेट की जाती है पावर कि आप लॉ बना सकते हैं ताकि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है किसी जगह का उसको चलाया जा सके। जैसे कि बैंक में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास ये लॉ बनाया जा सकता है कि भाई इस किस्म के जो नोट हैं वो इस जगह पे जाएंगे, इस किस्म के जो नोट हैं वो यहां सबमिट होंगे, यहां पे ये लॉ बन चुका है कि जितने भी 2000 के फटे हुए नोट हैं जो पूरे इंडिया रीजन से सबमिट हो रहे हैं अलग अलग बैंकों में, उसका सबमिशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के एक बैंक में होगा, ये लॉ बन गया है। तो इस तरह से चीजों को चलाया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन, अब आप ये समझ लीजिए कि एक कोई एजेंसी है, मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स का अपने एक मिनिस्ट्री है जहां पे सारे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि ये जो कलेक्टर्स, आईपीएस, एसपी, सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं, ये लोग जो है काम करते हैं, उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उनका लॉ बनाने की जरूरत है वो उनका जो सीनियर ऑफिसर बनाएगा वो भी इसी के अंडर में आएगा, यानी कि उसके पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर्स हैं इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि वो लॉ बना सकता है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो क्या करेगा, वो कहीं भी एक महीने में दो बार से ज्यादा 5 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, 2 बार 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं ले सकता, और ये एक लॉ बन गया, और अगर उस लॉ को फुलफिल नहीं करेगा तो ही शैल बी सब्जेक्ट टू सस्पेंशन। और ये लॉ क्यों लाया गया है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए लाया गया है जब तक कि 2024 का इलेक्शन ना हो जाए। अब ऐसा अगर लॉ बनाया गया तो वो किस में आ जाएगा, वो ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस में आ जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब दो हो सकता है, पहला कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कुछ डेलीगेट की गई कि तुम वहां पे उस जगह पे बनाओ, और दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल उसका ये है कि जब कभी भी ये लॉ बनाया जाता है किस चीज के लिए, मान लीजिए एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज आपको पता होगा हमारे
इंडिया की एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में है, तो उस दूसरी कंट्री में जो इंडिया के एम्बेसडर है उनको लॉ मेकिंग पावर दे रखी है कि वो हमारी एम्बेसी के अंदर जो भी करना चाहें, जो भी लॉ बनाना चाहें, या हमारे वो एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उस कंट्री में जो इंडियन सिटीजन रह रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ लॉ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। हर बार पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो उन्होंने पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया ये पावर एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुम वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लॉ को बनाओ। इस टॉपिक में हमारे पास पढ़ने के लिए केवल इतना है। अगर आपको अभी भी कोई थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप समझने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कोशिश करिए। एक बॉडी है पार्लियामेंट और एक बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटर्स। पार्लियामेंट कौन है? जहां पे मोदी जी, अमित शाह जी वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के, ये ओम बिरला जी जहां के चेयरपर्सन है वो बैठ के क्या करते हैं, लोकसभा में लॉज बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बॉडी है कलेक्टर साहब जो आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं या फॉरेन में जो बैठे हुए हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो, ये लोग कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है। इनका काम है वो जो लॉ वहां से बन के आएगा उसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब चूंकि हर छोटा मोटा लॉ वहां नहीं बन सकता और डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए छोटे मोटे लॉज बनाने की जरूरत बहुत है, तो पार्लियामेंट ने बोला कि अरे भाई तुम एक काम करो, ये जो छोटे मोटे लॉज हैं तुम अपने लेवल पे बना लेना, लेकिन ध्यान रखना कि हम हमेशा चेक करते रहेंगे कि तुमने जो लॉ बनाया वो सही है कि नहीं है। बस यही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इन डिटेल उसको पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से डेलीगेट किया जाता है और उसमें कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जाता है। आज के लिए जो हमें पढ़ना था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो टॉपिक हमारा खत्म हुआ है ना। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं हुआ है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नए कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।